तीन दिन पी लो, 90 साल तक कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ताकत का खजाना है ये चीज दोस्तों। अगर आप इस औषधि का 3 दिन सेवन करते हैं तो कभी भी आपके हाथों में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, जो कि आजकल लेडीज या जेंट्स किसी के भी कमर में दर्द रहता है वो नहीं होगा, और थकान भी आपको नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी और 90 साल तक आप हष्टपुष्ट जिएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सबको ये प्रॉब्लम होती है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं और हमें थकावट हो जाती है और कई बार तो बैठे बैठे ही थकावट महसूस होने लगती है। ये सब तब होती है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और आपके जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, तो चलिए आपको बताते हैं उस नुस्खे के बारे में। और हाँ दोस्तों, इस नुस्खे को वो लोग भी सेवन कर सकते हैं जिनको बालों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, बाल सफेद हो गए हैं या फिर बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है, इन सब समस्याओं में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का नुस्खा आपको बताते हैं। दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है, वो गैस पर चढ़ा देना है। इस तरीके से आपने इसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है, हो सके तो आप गाय का घी लें। इस तरीके से आपने इसमें 1 चम्मच खसखस का डाल लेना है, खसखस थोड़ा भून लें। इस तरीके से थोड़ा हल्का भूनने के बाद दोस्तों आपने इसमें 1 गिलास दूध डाल लेना है, या फिर आपने जितना दूध पीना है आप वो दूध डाल लीजिए। इस तरीके से जैसे ही आपका दूध गर्म हो जाए तो आपने इसमें 1 मुट्ठी मखाना डालना है। मखाना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेड है दोस्तों। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, हड्डियां जिनकी कमजोर है, मखाने उनकी हड्डियों को मजबूत बना देता है और खसखस भी यही काम करता है, तो दोनों मिलकर इनकी शक्ति दुगनी हो जाती है और हमारे शरीर में अनेक बीमारियों को ये दूर कर देते हैं। जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है वो ठीक हो जाती है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है इन दोनों के सेवन से, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है जिनको वो भी दूर हो जाती है, बीपी कंट्रोल आ जाता है, डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। जिन व्यक्तियों को स्ट्रेस रहता है उनका स्ट्रेस दूर हो जाता है, जोड़ों और घुटनों का दर्द इससे ठीक हो जाता है। दोस्तों यानी कि बात करें कि हमारे शरीर के अनेक बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। अब दोस्तों आपने इस दूध को पकाना है और दोस्तों आपने अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मिश्री डाल लेनी है। मिश्री भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। दोस्तों दूध को मीठा बनाने के लिए आप इसमें मिश्री डाल लें। मिश्री खून को बढ़ा देती है और दोस्तों अगर आप इसका गर्मी में सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ये ठंडक ला देती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, शुगर के मरीज अगर इस औषधि को लेना चाहते हैं तो वो इसमें मिश्री ना मिलाएं, क्योंकि मीठा उन्हें नुकसान करता है, इसलिए वो मखाने और खसखस इन दोनों चीजों को ही पकाकर दूध में वो ले सकते हैं। दोस्तों अब इस दूध को आपने 3 से 4 उबाल देना है, यानी कि कहें कि 10 मिनट तक आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। पकाने के बाद अच्छे से ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपने इसका सेवन कब करना है। दोस्तों इसका सेवन आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, या फिर आप रात को सोने से 1 घंटा पहले इसका सेवन करें, और जैसे कि आप रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के भी 1 घंटे के बाद इसका सेवन करना है, और सेवन करने के 1 घंटे के बाद ही आपने सोना है। इन 2 तरीकों से आपने इसका सेवन करना है, या तो आप सुबह सेवन कर सकते हैं इसका, या फिर आप रात को सेवन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जो टाइम आपको शूट करे उस टाइम पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में दूध हफ्ते में आप 2 दिन लें, यानी औषधि को आप 2 दिन सेवन करें हफ्ते में, और धीरे धीरे दोस्तों आप इसको रोज भी ले सकते हैं। अगर आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ताकत आ जाएगी और दोस्तों आपके शरीर में कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, जिन लोगों को घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगा, हड्डियां इससे मजबूत बनेंगी और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे इस औषधि से। और दोस्तों इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी इससे। और दोस्तों ये औषधि आप बच्चों को भी दे सकते हैं।
तो दोस्तों आप भी इस औषधि को अपने घर में बनाएं और अपने लिए फायदा उठाएं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।